सीरियसली टाइम परेशान हो चुका हूँ इन सब चीजों से। आखिर वो चाहता है पगला कहीं का जान बुझ के अपनी बहन का फंदा मेरे गले में पहनाना चाहता है। क्या आपने उन्हें मना कर दिया? ऑफ कोर्स, तो क्या मैं शादी के लिए हाँ कह दूँ? सीरियसली तुम्हारा दिमाग खराब है? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ, रात में हम क्या करते हैं? क्या अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि हम रात भर जागते हैं। क्या जल्दी चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अभी? हाँ चलो जल्दी। सच बता रहा, क्या तुमने इससे पहले इतना अच्छा नजारा देखा है? बिल्कुल भी नहीं। वाह, ये सच में कितना सुंदर है, मुझे काफी पसंद है सच में। और आज इसी चांदनी रात के नीचे हम दोनों रोमांस करेंगे। क्या ये क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे भी कि कैसे, बट तुम्हें भी ये फर्स्ट टाइम होगा, डोंट वरी। अब मुझे थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, बट आई थिंक मैं कर पाऊंगा। देखिए मुझे कुछ समझ नहीं रहा, आप क्या कह रहे? अरे ये क्या है? इसे ये देखो टाइम, तुम जानती नहीं बट इसे ये कहा जाता है वो। ओ मेरी क्यूट आर्मी, अब यहाँ पर आप भी समझ जाए कि कुकी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये सब गलत है, मैं जा रही हूँ ऐसे। टाइ, आई नो कि तुम भी काफी ज्यादा नर्वस हो, बट डोंट वरी, हम ये कर पाएंगे, आई मीन कर लेंगे। और ये है ना हमारे साथ, डोंट वरी, तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होगा, आई प्रोमिस। नहीं मुझे जाने दीजिए प्लीज। टाइ प्लीज प्लीज ना, मैंने आज तक कभी से यूज नहीं किया है, प्लीज मुझे एक बार इसे ट्राई करना है प्लीज। नहीं मुझे जाने दीजिए, आप ये सब क्या करें प्लीज, ये क्या करें आप? होता है, डोंट वरी, थोड़ा एम्बेरेस फील होगा बट तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। देखो थोड़ा सा होगा, मैं हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज रुक जाइए, मैंने कहा ना सच में मुझे जाने दीजिए। टाइ, मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ, वैसे भी अभी तो पूरी रात बाकी है। टाइ प्लीज यहाँ पर शांत रहो, चुपचाप मुझे जाने दीजिए, पूरी रात में नहीं झेल पाऊंगी ये सब, प्लीज मुझे जाने दीजिए। टाइ डोंट वरी, वैसे भी तुम इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और बेफिक्र हो जाओ, हमने यूज किया है। मी होवे सरसान कोई तारे आधी रात ते पकड़ के दोना दी बना होए नी होवे कि तू जा मैं गोरी है ते तुझे किस बंदे दी ना था होए नी मैनू याद रहे तू तेनू इल्म कुड़े ऐदां दी कोई होए गल बात गोरी नी मून लाइट ते उल्ले बैठ के गोरियां बाहां दे पाए जाल गोरिए तू संग दी रवे मैं हाथ फड़ ला अखां मेरे होने वाल गोरिए सच में मैं तुम्हें इतनी आसानी से अब दूर नहीं करने वाला। अब तुम ना टाइ, हम सच में जल्दी से ही शादी कर लेंगे, और फिर क्या? मुझे जाने दीजिए सर, मुझे दर्द हो रहा है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, और क्यों इतना बड़बड़ कर रही हूँ? देखो यहाँ पर लोग भी रहते हैं, अब शांति से रहो, वरना कोई छत में आ गया ना
हेल्प कोई है? डाई क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? चलो बेडरूम में। नहीं मैं और नहीं सह सकती, मुझे जाने दीजिए। निमून लाइट दे ओले बैठ के गोरियां बाहां दे पर जाल गोरिए तू संग दी रवे मैं हाथ फड़ ला खां पे ये होने वाल गोरिए तेरी अखा ते चेहरा खुले ना कदे राज बन जे गेरा। टाई अब कब तक यहाँ पर ऐसी लेटी रहूंगी? ये लो कपड़े पहन लो। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। क्या ठीक नहीं किया? हाँ क्या किया मैंने? टाई तुम ऐसी रहो, मैं तो चला, कुछ खाने के लिए भूख लगी मुझे। हाँ मैं आउच मेरी कमर, मुझे सीधे उठा भी नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूँ, खुद को ऐसे देख भी नहीं पा रही हूँ, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है। अरे जनाब रेशम की जैसे कच्छों में घूम रहे, माँ मेरी कमर। हाँ कहीं ओ ओ आई एम सॉरी, पहले तो तुम बैठ जाओ और मुझे ये बताओ कि तुमने इतना सारा सामान कैसे लगाया? मतलब मुझे कुछ भी सामान दिख ही नहीं रहा, मैं कुछ ढूंढने को जाता हूँ तो मिल ही नहीं रहा। अब मैडम जी बताऊंगी मुझे। क्या चाहिए आपको ये तो बताइए। मुझे कॉफ़ी बनाना था तो मुझे चीनी तो पहले मिल नहीं रही, और कॉफ़ी कहाँ रखा है तुमने? अगर आपको दिखाई नहीं देता ना तो चश्मे ले लीजिए। वेट ओ माय गॉड मेरे सामने है। वेट तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मतलब मैं तुम्हें फालतू में डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैडम? वैसे चाहे कल रात कैसा था, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया। तुम्हें ओके ओके नहीं पूछता हूँ, अब बस इतना काम है कि जल्दी से शावर लेकर हमें मार्केट जाना है। टाई क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? तुम्हारी ये आंखें बता रही है। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं आ रही शर्म। तो तुम मेरे साथ ज्वाइन होने में कोई दिक्कत है तुम्हें? बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब हटिए मुझे भूख लगी है पहले। ओह आई एम सॉरी। तो इसलिए कहा मैंने पहले नहा लेते उसके बाद बढ़िया किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। मुझसे यहाँ उठा नहीं जा रहा, पर आप चाहते कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊँ आपके साथ? वो भी बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो भूखी रहो, मुझे क्या करना है, मुझे तो वैसे भी खाना बनाना आता नहीं। अच्छा उस बार आप ही ने बनाया था ना मेरे लिए खाना? वो मैंने ऐसे ही बनाया था, वो तो मुझे आता भी नहीं। आता नहीं क्या बहाने बना रहे आप? कोई बात नहीं मैं भूखी रह जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो इमोशनल ड्रामा यहाँ पर, कोई बात नहीं मैडम। अच्छा बना दो मुझे कुक, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें खाना क्या है? अब अपनी फरमाइशी मेरे सामने मत रखना, क्योंकि मुझे जितना आता है उतना ही बनाऊंगा मैं। मतलब आप मेरे लिए कुक करोगे? यस। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ खिलाइए जो मैंने आज तक कभी खाया नहीं। मतलब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ? कोई बात नहीं, जो भी उठा सूटा रूखा सूखा जो भी आएगा ना वो मैं तुम्हें खिला दूंगा। ओके वेल टाई, ये काफ़ी मज़ेदार रहेगा, कुछ भी बनाओ और तुम्हारे ऊपर ट्राई करो। अगर तुमने खाया और अगर बाय चांस वो जहरीला निकला तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तो कहाँ से शुरुआत करें? नहाने से। मैं चल सकती हूँ, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। कार में जाना है ना? ऑफ कोर्स कार में जाना है, और डोंट वरी मैं चलाने वाला हूँ कार, तो मैं तो आने से रही। आपका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे कुछ आता नहीं? तुम्हें कार चलानी आती? नहीं। अच्छा तो पूछ क्यों रही हो? मैं चला सकती हूँ अगर मैंने चला लिया तो। टाई तुम भी ना, अब पहले तो नहाने चलते। आज ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ही बेशरम हो रही? मुझे यहाँ से जाना है। आपने अपनी बहन से यू मतलब यहाँ आने से मना? टाई प्लीज इस टॉपिक में बिल्कुल बात नहीं, और किसी भी टॉपिक में नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज का दिन मेरा मूड हो जाए ऑफ। ओके वेल टाई कहाँ जाना पसंद करूंगी तुम? डिनर करने जाए या फिर बार में या फिर मूवी शॉप, कहाँ जाना है तुम्हें? ऐसी जगहों पर मैं नहीं चाहती हूँ। आई नो टाई कि तुम बड़ी सत्यवादी लड़की हो और ऐसी जगहों पर तुम जाते भी नहीं हो। आई नो बट तुम मेरे साथ आई हो तो किसी भी चीज़ में मना मत करना।
तो हम जाएंगे अभी बियर बार। जी नहीं, आपको जाना तो चाहिए, मुझे नहीं आना। वर्ल्ड, अभी मैंने तुम्हें क्या कहा? मैं जो भी कहूँ तुम्हें मना नहीं करना है। अगर तुमने मना किया तो समझी, जो करने कीजिए, बट मैं ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगी। ऑलराइट, तुम्हारे साथ आना ही बेकार है, मतलब कोई मजा ही नहीं यार, क्या करूँ मैं। ओके चलो मूवी थिएटर चलते, और वहाँ पर बिल्कुल मना मत करना, ठीक है? ये रोमांटिक मूवी थी, अब मुझे नहीं पता था कि ऐसे सीन दिखाएंगे इस मूवी में। और वैसे भी टाइ, ऐसे सीन तो हम घर में मतलब कुछ नहीं, मूवी देखो ना। मुझे शर्म आ रही, तुम्हें क्या लगता है मुझे शर्म नहीं आ रही? नहीं, आप तो बेशर्म हो ना एक नंबर के। और टॉय चुप हो जाओ, सच में मूवी काफी शर्मनाक थी, देखकर ही आंखें झनझना गई। मैं तो ऐसा, वैसे टाइ तुम्हें कैसी लगी मूवी? अगली बार इससे भी अच्छी मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, ठीक है? अब बस कीजिए, मजाक कर रहा हूँ, टाइ प्लीज हार्ड हो रहा है।